दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल शिवजी एस्ट्रोलॉजी में। शनिवार को भूलकर भी तीन गंदे काम कभी मत करना। घर में गरीबी आती है, शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको शनिवार के उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिनको आपको या किसी भी व्यक्ति महिला को नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाली है। आज हम आपको उन बातों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप शनिवार के दिन इन कामों को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की प्राप्ति नहीं होती। हमेशा घर में दरिद्रता छाई रहती है, साथ ही घर में गरीबी बनी रहती है। दोस्तों देखिए भगवान शनिदेव मानव जीवन की कुंडली पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव डालते हैं। हर व्यक्ति यही चाहता है कि शनिदेव कभी भी रुष्ट ना हो जाएं, इसके लिए वह कई जतन भी करते हैं, लेकिन अक्सर हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो शनिदेव को कतई पसंद नहीं होते और जिस वजह से वह हमसे नाराज़ हो जाते हैं। शनिदेव की नाराज़गी मानव जीवन में कई तरह के उथल पुथल मचाती है। एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी परेशानी द्वार पर खड़ी रहती है। वहीं अगर शनिदेव आपसे खुश है, प्रसन्न है, तो मतलब आपके साथ आपकी किस्मत खड़ी है। जो भी कार्य करते हैं निश्चित तौर पर उसमें आप सफल होते हैं, लेकिन भगवान शनिदेव आपसे खुश हैं, इसके लिए आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज हम आपसे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप भूल से भी शनिवार को ना करें। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। शनिवार के दिन आप यानी कि कुछ विशेष उपाय अगर कर लें तो शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी महाराज की भी कृपा बरसती है। और दोस्तों अगर आप शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी महाराज को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम और जय शनिदेव, जय बजरंग बली अवश्य लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों दरअसल शनिवार शनिदेव का प्रिय दिन माना जाता है, यानी कि शनिदेव को समर्पित होता है। यही वो दिन है जिस दिन आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और यही वो दिन भी है जिसमें अनजाने में हुए काम शनिदेव को नाराज भी कर देते हैं, रुष्ट भी कर देते हैं। आज हम आपसे कुछ ऐसे काम के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हम भूल से भी शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में दान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी कार्यों के लिए काले तिल शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और सभी कार्यों में बाधाएं आने लगती है। पूजा पाठ के लिए काले तिल चाहिए तो इन्हें आप एक दिन पहले खरीद कर रख लें, लेकिन शनिवार को भूल कर भी ना खरीदें। साथ ही दोस्तों शनिदेव को ज्योतिष में न्याय का और कर्म का देवता माना गया है, यानी कि न्याय और कर्म के रूप के देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। बुरे कर्म करने वालों को शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते। मांस मदिरा का सेवन करना भी शनिवार के दिन बुरे कर्मों की श्रेणी में आता है। अक्सर देखने में आता है कि शनिवार के दिन लोग वीकेंड की वजह से पार्टी करते हैं और शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों ऐसा करना आपको शनिदेव के कोप का भाजन बना सकता है। भूल कर भी शनिवार को मांस मदिरा ना लें। शनिवार को सरसों के तेल को खरीदना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तेल खरीदने से घर में नकारात्मकता, अशुभता, घटनाएं होने लगती है। हालांकि शनिवार काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना हुआ खाना खिलाने से शनि की दशा टलती है। शनिवार को सरसों का या फिर किसी भी पदार्थ के तेल खरीदने से रोगकारी होता है। घर में दरिद्रता, गरीबी आती है, धन की कमी होने लगती है। साथ ही शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा खरीदने से दरिद्रता, गरीबी आती है। शनिवार के दिन घर पर नमक ना लाएं। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। साथ ही शनिवार का दिन यानी कि जिससे कि वर्जित है कैंची खरीदना, लोहे की कोई भी चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें। दोस्तों परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा का कारण बनती है, जैसे कोई भी नुकीली चीज़ कैंची वगैरह हो, कुछ भी ब्लेड वगैरह कुछ भी ना खरीदें। शनिवार के दिन कभी भी झाड़ू ना खरीदें। दोस्तों ऐसा करने से दरिद्रता का निमंत्रण मिलता है। शनिवार के दिन पेन खरीदना कैरियर के लिहाज से अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कार्यस्थल पर चमड़े के जूते कभी भी पहनकर नहीं जाने चाहिए। कभी भी
गरीब सफाई कर्मचारी दृष्टिहीन लोगों को और किसी मजदूर महिला का अपमान ना करें। इससे शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन ऐसा करना तो बड़े संकट को बुलाने के जैसा है। शनिवार के दिन पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व के ईशान कोण की यात्रा ना करें। यदि करना ही हो तो अदरक खाकर निकलें और निकलने से पहले 5 कदम उल्टे पैर चल के आएँ। शनिवार के दिन कभी भी विवाहित बेटी को ससुराल विदा ना करें। वैसे तो व्यक्ति को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दोस्तों शनिवार के दिन बोला गया झूठ शनिदेव को कुपित कर सकता है। साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन ये 5 उपाय करने से व्यक्ति धनवान बन सकता है। देखिए, शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनि जब किसी पर मेहरबान होते हैं तो उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। वो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह से समृद्धि रहता है। लेकिन शनि जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो उसका जीवन भी मुश्किल कर देते हैं। इसलिए शनि के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी शनि अशुभ स्थिति में विराजमान है और आपको लगातार कष्ट दे रहे हैं, या आप साढ़े साथी और शनि की ढैया के कष्ट को झेल रहे हैं, तो शनिवार के दिन आपके लिए बहुत खास है। शनिवार के दिन कुछ उपाय करके आप शनिदेव को आसानी से प्रसन्न भी कर सकते हैं, साथ ही उनके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही धन संबंधित समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, देखिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद यानी कि पीपल के वृक्ष में दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर पीपल का पेड़ किसी मंदिर में लगा है तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आप के कई कष्ट दूर हो जाते हैं। आर्थिक रूप से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। शनिदेव हनुमान जी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं और उनकी पूजा करने वाले से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वो हनुमान जी के भक्तों को कभी भी नहीं सताएंगे। ऐसे में शनिदेव के कष्टों से मुक्त होने के लिए आप शनिवार के दिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपके आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप शनिवार के दिन शनिदेव की प्रतिमा पर नीले रंग का पुष्प चढ़ाएं और सरसों का तेल चढ़ाएं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ भी अर्पित करते समय अपनी आँखों को नीचे झुकाकर रखें, शनिदेव से नज़र ना मिलाएं, क्योंकि उनकी दृष्टि वक्र मानी जाती है। साथ ही हर शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाकर 3 बार परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। शनिदेव श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं, इसलिए वो पीपल की पूजा करने वाले व्यक्ति से बहुत प्रसन्न रहते हैं। साथ ही किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन आप तेल का दान करें। तेल दान करने से पहले उस तेल को एक बर्तन में लेकर उसमें अपना चेहरा देखें। इससे शनि का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। वस्त्र, काली दाल, काले तिल, काले चने आदि कोई काले रंग की वस्तु देकर उसकी मदद करें। कुत्ते को सरसों का तेल लगी रोटी खिलाएं। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए शनिवार के उपाय अच्छे लगे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और जय हनुमान जी, जय शनिदेव जरूर लिख दें, जिससे आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जय शनिदेव।